चलते हैं और ये सारी हैं क्योंकि कवर हो जाएंगी यहाँ पर नंबर वन कम्पेटिव एंड सप्लाई चेन ये होती क्या है और की ये क्या है और इन स्ट्रेटेजीज का क्या यूज है ये क्या करती हैं सो देर आर कम्पटिव स्ट्रेट देर इज अम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी एंड देर इज अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी ये दोनों का आपस में कॉर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को एनहांस करना चाहिए और एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे लिए सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आएंगी ठीक है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो कंपेटेटिव स्ट्रेटी हमने बिल्ड की है वो हमारी फंक्शनल स्ट्रेटेजीज के साथ जो एक्चुअल उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो फंक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं उनके साथ उसको सही से चलना बहुत जरूरी है अदरवाइज Uh, हमने स्ट्रेटेजी बना ली लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजीज ने अगर काम नहीं किया तो हमारी स्ट्रेटेजी अचीव नहीं होगी वो अटेन नहीं होगी हो uh, तो जो कम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली डिफाइन करती है ऑल दो कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक फॉर्म ना uh, करती है टूवर्ड्स तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोडक्ट ऑफर कर रही है जो वो सर्विस ऑफर कर रही है उसके अंदर वो तमाम चीजें uh, जो कंपनी uh, करना चाहती है टू अचीव टू टू फुलफिल कस्टमर नीड्स दैट इज कॉल्ड कंपेटेटिव स्ट्रेटजी सो कंपेटेटिव स्ट्रेटजी डिफाइंस द सेट ऑफ कस्टमर नीड्स अ फर्म सीक्स टू सेटिस्फाई थ्रू इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेसिकली uh, जो आपकी स्ट्रेटेजी होती है इट कुड बी ऑफ डिफरेंट मतलब आपके लिए एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जो आप एक साथ यूज कर रहे हो जैसे कि जो आम सप्लाई चेन की स्टडी सबसे कॉमनली यूज होती है वो है एक रिस्पॉन्सिवनेस के आप कितना रिस्पॉन्सिव हैं कस्टमर की नीड के अंदर फॉरन चेंज आया तो आपने फॉरन अपनी सप्लाई चेंज उस तरह से चेंज कर लिया आपने अपनी डिलीवरी मैकेनिज्म चेंज कर लिए कस्टमर की नीड में आपने चेंज देखा जी कस्टमर को सडनली ये वाली चीज की जगह ये वाली चीज ज्यादा जरूरी पड़ गई है अब ज्यादा वो डिमांड कर रहा है इस चीज की तो आप फॉरन अपनी सप्लाई चेन को एडजस्ट करके उस चीज की ज्यादा प्रोक्योरमेंट करना शुरू कर दें और दूसरी की कम कर दें सो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस कि आप कितनी जल्दी कितनी रैपिडली कस्टमर नीड्स के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं इसी तरह से कॉस्ट

कर है तो आप और कोई नहीं कर सकते हो सकता और वैरायटी दोनों को लेकर चले कि जी हम भी ज़्यादा देंगे और कस्टमर नीड so को माइंड में रखते हुए होगी बनेगी आपकी कस्टमर की नीड को आपने सेटिस्फाई करना है प्रॉफिटेबली और जो भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनके थ्रू फिर आ जाती है हमारी फंक्शनल स्ट्रेटेजी हमारी जो फंक्शनल हैं इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आ, ये बेसिकली उस ऑब्जेक्टिव को उस कंपेटेटिव स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए हमने और स्ट्रेटेजी बनाई होती है कि इसको अचीव करने करेंगे और हमें क्या क्या करना होगा तो ये बेसिकली तीन चीजों का मजमुआ होती है ये जो तीन चीजें यहां पर दी हुई है नंबर वन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी सेकेंड इज मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी एंड थर्ड इज सप्लाई चेन स्ट्रेटजी ये तीनों मिलकर आपकी फंक्शनल स्ट्रेटेजी को तैयार करती है So, अब आपने एक कम्पेटेटिव स्ट्रेटेजी बना ली चाहे आप कॉस्ट लीडर बनना चाहते हैं क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन कर सबसे अच्छी ऑफर करना चाहते हैं वैरायटी देना चाहते हैं है आपकी सप्लाई तो चेन के अंदर तो अब आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे जो कि बेसिकली स्पेसिफाई करेगी दी पोर्टफोलियो ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स दैट दी कंपनी विल बी डेवलपिंग जो कोई आप नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कोई भी आपका प्रोडक्ट्स जो आप न, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे कम कॉस्ट के ऊपर कोई नया प्रोडक्ट दे रहे हैं वेराइटी ज्यादा देने के लिए को प्रोडक्ट इस तरह के नए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट डेवलप होगा तो ही आपकी वो कम्पेटेटिव स्ट्रेटेजी अचीव होगी ना तो आपको वो प्रोडक्ट डेवलप करने जो आपकी स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए अगर कॉस्ट लीडर है तो उसके हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन करें क्वालिटी लीडर है तो उसके हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जो है कि कैसे बनेगा कौन कब बनाया जाएगा कितने वक्त के अंदर बनाया जाएगा कैसे टेस्टिंग होगी कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरी जो भी आपने नए प्रोडक्ट्स देने हैं अपनी स्ट्रेटजी के तहत उसकी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी आप तैयार करेंगे सेकेंड इज मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट बना लिया लेकिन कस्टमर को पता नहीं ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कस्टमर को पता ही नहीं कि जी ये प्रोडक्ट पिछले जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे किस लिहाज से बेहतर है उसके सस्ता है क्वालिटी में अच्छा है वैरायटी ज्यादा देता है कोई और उसके अंदर फीचर है इनोवेटिव है तो मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी होंगी ठीक है इट स्पेसिफाइज हाउ द मार्केट विल बी सेगमेंटेड एंड प्रोडक्ट पोजिशन प्राइस एंड प्रोमोटेड प्रोडक्ट प्राइस प्रोमोशन प्लेस ये सारी चीजें आपने देखनी है आपने अपनी मार्केट की सेगमेंटेशन देखनी है कि प्रोडक्ट किस नीच को टारगेट कर रहा है किस किस को टारगेट कर रहा है तो उसके हिसाब से मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटजीज लगानी होंगी ठीक है प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करनी है उसकी प्राइसिंग तय करनी है उसके प्रोमोशन तय करने हैं आपने तो ये मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी होगी अगर आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं आपकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है कंपेटिव स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है अगर आप उसकी मार्केटिंग या सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा सो so, हर चीज का एक दूसरे के साथ चलना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें एक दूसरे के साथ चल रही हो मूविंग फॉरवर्ड सप्लाई सप्लाईन स्ट्रेटेजी है मटेरियल को की कोई मैन्युफैक्चर करने का उस प्रोडक्ट को या सर्विस को, क्रिएट करने के लिए आपके प्रोसीजर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा कस्टमर तक पहुंचाया कैसे जाएगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज होगा छोटा रखना है बड़ा रखना है ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रखने हैं थोड़े रखने हैं तो कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी सप्लाई चेन को आ, की, मतलब कि आपने प्रोडक्ट बना लिया उसकी मार्केटिंग कर ली अब भाई वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना होगा आपने अक्सर देखा होगा आ, ये हमारे यहां तो बहुत कॉमनली हो जाती है ये चीज और कुछ कंपनीज अच्छी होती है सो समटाइम्स टीवी पे एक प्रोडक्ट की एड चली है और पिछली बार जब मैं शॉप पर गया था तो वो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल नहीं था और अब जब मैं गया तो वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया हुआ उन्होंने सामने सो दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी है अच्छी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है कि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग सप्लाई चेन ये सारे एक साथ इंटीग्रेटेड हैं इन सबको पता है किस वक्त क्या चीज करनी है और कैसे आपने अपने प्रोडक्ट की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी को अचीव करना है और जिस वक्त वो प्रोडक्ट मुझे दिखाया गया मैंने कहा अच्छा इसको ट्राई करना चाहिए और मैं मार्केट गया था वो सामने मेरे पड़ा था और ऐसी फॉर्म्स भी हैं जिनका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा होता है बहुत यूनिक मैं तो यार ये बड़े काम की चीजें ये तो लेनी चाहिए और मैं मार्केट में जाके पता करता हूँ पता चल यहाँ तो अभी तक ये आई नहीं है ये पता नहीं अभी आएगी भी कि नहीं आएगी यहाँ पर सो कोई छोटा सिटी है कोई दूर का इलाका है सो so, बड़े सिटीज में लॉन्च हो गया बाकी में लॉन्च हुई आपने इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग कम्पेन कर दी तो आपकी जो कैंपेन थी मेरे शहर के अंदर वो सारी वेस्ट हो गई ना छोटे शहरों में सारी वेस्ट हो गई मैं प्रोडक्ट लेने गया था मुझे मिला ही नहीं सो so, वो तो सारी कैंपेन वेस्ट हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ वो अगर कल को मुझे भूल जाए या फिर कल को मुझे उसको बेटर प्रोडक्ट मिल जाए या फिर मैं कहूँ यार छोड़ो बस मैंने नहीं लेना या मैं उसके कोई अल्टरनेटिव लूँ तो फिर अब वो सारी आपकी कैंपेन वेस्ट हो गई सो सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी भी साथ साथ तैयार होनी चाहिए कि माल किस तरह से सप्लाई करना है प्रोक्योर किस तरह से करना है उसका जैसे इसमें एक मसला आया था एप्पल के साथ कि उन्होंने नए आईफोन लॉन्च किए उसके बाद जिन्होंने प्री ऑर्डर कर दिया कर दिया जो प्री ऑर्डर करने से रह गए तो कोविड आ गया तो उस दौरान फैक्ट्रीज बंद हो गई जब फैक्ट्रीज बंद हो गई तो अब वो फोन क्योंकि मैनुफैक्चर ही नहीं हो रहे सप्लाई अब वो अगर खुद भी अपनी फैक्ट्री में मैनुफैक्चर करना चाहे तो उसके कंपोनेंट तो डिफरेंट से आने अब उसकी स्क्रीन सैमसंग वाले ने प्रोवाइड करनी है उसका रैम किसी और ने प्रोवाइड करना है मदरबोर्ड कोई और बना रहा है उसके अंदर की बैटरी कोई और बना रहा है वो सारी फैक्ट्रिया तो बंद पड़ी हैं अगर इनकी अपनी फैक्ट्री खुली भी है तो तो वो माल आएगा तो वो अपना प्रोडक्ट असेंबल करेंगे ना तो कई लोगों को बहुत अरसा वेट करना पड़ा फिर प्रोडक्ट लेने के लिए तो ये सप्लाई चेन के इश्यूज बन जाते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि आपका रॉ मटेरियल भी सही से प्रोक्योर हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी सही हो और फिर फिनिश गुड्स बनाकर उसको आगे कैसे प्रोवाइड करना है इट गुड भी सेम फॉर दिस सर्विस आप सर्विस की मार्केटिंग कर दें और कल को पता ही चले वो सर्विस तो आप अभी आधी ब्रांचेस के अंदर ऑफर ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ आ, उनका जेल होना एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करना एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है और फिर वो साथ ही कंपेटेटिव स्ट्रेटी के साथ भी इंटीग्रेट करें उसको भी सपोर्ट करें वैल्यू चेन ओके वैल्यू चेन क्या होती है कि कि जो आप आप में होता ही है इसमें से किसी uh, area के अंदर basically वो value create करते हैं जो customer को चाहिए. Value creation किस तरह से होती है वैल्यू चेन क्या है यूसी uh, हमारे पास पहले टाइप होते थे टाइप राइटर के ऊपर टाइप कर रहे हैं एक गलती होगी पूरा पेज वेस्ट सारा दोबारा नए सिरे से टाइप करना पड़ेगा फिर स्लो स्लो उसका एक ही कॉपी बन सकती है दूसरी कॉपी भी नहीं बन सकती इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मोर कॉपीज आपको कार्बन कॉपी लगानी पड़ेगी वो पेपर फंस जाए कोई और मसला हो जाए तो वो तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा तो एक एक कॉपी एट अ टाइम प्रिंट होती है दूसरी कॉपी चाहिए फिर से दोबारा टाइप करने बैठ जाता है बंदा फिर उसमें मिस्टेक होगी फिर मसला बन गया और फिर एक कॉपी दूसरे के साथ की बिल्कुल नहीं होती इसके बाद आया वर्ड प्रोसेसर तो लोगों ने किया यार ये तो जबरदस्त है इसके अंदर आप टाइप करें उसके बाद उसकी जितनी मर्जी कॉपीज ले रहे सारी की सारी सेम होंगी दो मिनट में प्रिंट निकल आता है जितनी मर्जी कॉपीज लें करेक्शन करनी है दो मिनट में होगी दोबारा नया प्रिंट आ जाता है उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर तो ग्रामर चेक भी अब ग्रामर भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है सो वैल्यू एड करते जा रहे हैं आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर इसलिए आज टाइप राइटर एक्सटेंट तो हो चुका है वर्ड प्रोसेसर यूज हो रहा है उसकी जगह पर तो आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे उसके अंदर वैल्यू क्रिएशन करेंगे एक ऐसी के जिससे जिसे मैं कहते हैं ना यूएसपी हमारी आपकी यूएसपी क्या है आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपने बता ये चीज मैं नहीं ऑफर करने जा रहा हूँ ये मेरे कंपेटेटर के पास नहीं है ये मेरा फीचर है तो वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है अपने फिर उसकी मार्केटिंग और सेल्स करनी है कि उसके कस्टमर को पता चले कि वाकई ये चीज आई है कोई मार्केट के अंदर कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन भी जाए और उसको सेल्स सर्विस भी मिले फिर आपने उसके ऑपरेशन उसको बनाना भी तो है ना सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है मार्केटिंग तो नहीं करनी उसको बनाना है उसके ऑपरेशन चलानी फैक्ट्री के अंदर अगर ऑपरेशन सही नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्शन के अंदर इन आ जाएंगी फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना है और कोई सर्विस है तो उसकी सर्विस आफ्टर सेल सर्विस सर्विस प्रोवाइड करनी है इससे आपकी वैल्यू चेन बनती है देन अचीविंग दिट स्ट्रैटेजिक फिट बेसिकलीटिव एंड ठीक है तो सब स्रेटेजिक फिट जो है वो आपका बेसिकली क्योंकि इनका आपस में फिट होना है ना ये जो आपने स्ट्रैटेजी सारी बनाई है तो strategic fit is that fit. तो इट है और सप्लाई चेन की जो स्ट्रेटेजीज है उनको आपके गोल्स के साथ अलाइन होना होगा क्योंकि आपने गोल कुछ और सेट किया और एंड पे आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो कुछ और कर रही है तो आपका गोल अचीव हो जाए अगर आपने वो जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी रिस्पॉन्सिवनेस कॉस्ट क्वालिटी और वेराइटी uh, की तो आपने डिसाइड किया आप कॉस्ट लीडर बनेंगे और जब आपने अपना सारी स्ट्रेटेजी डिजाइन की है वो कॉस्ट के अराउंड की नहीं है वो क्वालिटी के अराउंड कर लीजिए जब क्वालिटी डालेंगे तो कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगी तो आपकी स्ट्रेटेजी का आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ फिट होना बहुत जरूरी है इसलिए एक फिट अचीव होना बहुत जरूरी है और इस वजह से भी हो जाती हैं क्योंकि उसकी जो रिसोर्सेज हैं है, वो कैपेबिलिटीज वो एक्सपर्टीज वो रिक्वायरमेंट्स uh, पूरी नहीं कर रहे जो एक्चुअल स्ट्रेटजी की डिमांड है अब ये स्ट्रेटजिक फिट आप अचीव कैसे करते हैं दी कंपेटेटिव स्ट्रेटजी एंड ऑल फंशनल स्ट्रेटीज मट फिट टूगर टू फॉर्म अडिनेटेड ओवरऑल स्ट्रेटजी तो वो आपस में फिट होंगी तो ही एक कोऑर्डिनेटेड ओवरऑल स्ट्रेटजी बनेगी तो ही आपका स्ट्रेटजिक फिट अचीव होगा जैसे मैंने पहले डिस्ट्रे की इनका आपस में फिट होना बहुत जरूरी है आपस में इंटीग्रेट होना कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है तो ये हम उसको जरा डिटेल में अब एक्सप्लेन करें उसी चीज को जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कुछ जगहों के ऊपर शायद मैं चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो चीजें आपको एक्जाम्पल्स के साथ समझा दी है वो मैं यहाँ जब आएंगे तो उनको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा ठीक है

उसके ऊपर उसकी अलाइनमेंट्स आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी अचीव हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए आपकी सप्लाई चेन को टू अचीव योर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजिक फिट अचीव कैसे होता है आखिर ठीक है सो बेसिकली हाउ स्ट्रेटजिक फिट अचीव सो यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी तो आपको कस्टमर को और उसकी जो सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी है उसको समझना होगा एक चीज तो मैंने क्लियरली आपको बताइए कि हम कस्टमर सेंट्रिक होंगे हम देखेंगे कस्टमर को क्या चाहिए कस्टमर की नीड की हमने अभी भी डिस्कस किया कस्टमर की नीड को डिस्कस किया तो आप देखें आप अंडरस्टैंड करें रहे कस्टमर की क्या नीड है कस्टमर किस तरह चेंज कर रहा है कस्टमर की क्या चीजें चेंज हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है और उसकी जो अनसर्टेनिटी है सप्लाई चेन की उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है क्या कम्प्लेक्सिटी है क्या है सप्लाई चेन का आपको पूरा बताओ कहां पर बॉटल नेक्स है कहां पर चीजें आप स्मूदली कर सकते हैं और फिर एक स्ट्रेटेजिक फिट आपको अचीव uh, करना, करना होगा पहली स्टेज के ऊपर हम क्या करते हैं पहली स्टेप में हम क्या करते हैं वी अंडरस्टैंड कस्टमर एंड सप्लाई चेनसटेनिटी तो हम चाहते हैं हम कस्टमर और सप्लाई चेन की अनसरटर्निटी को अच्छी तरह समझ लें कि ये क्या है तो हम इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं ठीक है नंबर क्वालिटी ऑफ़ प्रोडक्ट नीडेड इन ईच लॉट तो कस्टमर की हम क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कस्टमर की क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग uh, है नीड्स की तो पहले से हम जान चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी कस्टमर को चाहिए होती है इन ईच लॉट कस्टमर कितने ऑर्डर प्लेस करता है किस क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करता है कितनी फ्रिक्वेंटली से फ्रीक्वेंटली uh, करता है कि अगर हमने आप पे करते हैं हम दिन लेकिन कोई ऐसा है के जी, तीसरे दिन के कस्टमर शोर में। यार तो माल खत्म हो गया आपने सप्लाई नहीं किया तो आप हमें तो ये प्रोडक्ट चाहिए और वो फिर आपका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और का प्रोडक्ट खरीद लेगा तो इससे आपकी मार्केट डिस्टर्ब होगी इसलिए आप रिस्पॉन्स टाइम कस्टमर का देखना चाहते हैं क्या कस्टमर वेट करेगा अब जैसे ग्रोसरीज है ग्रोसरीज के अंदर अगर वो ऑर्डर करे ग्रॉसरी और चौथे दिन उसके घर पहुंचे वो ग्रॉसरी का क्या करेगा ग्रॉसरी लाइक अगर सब्जियां हैं फ्रूट्स हैं घर के अंदर कोई यूज की चीजें हैं कोई ऑयल कोई नमक शमक डालें उसको चौथे दिन मिल रही है तो वो यार इतने दिनों बाद उसे तो उसी दिन चाहिए कि उसी दिन डिलीवरी हो उसके घर पे सिमिलरली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नीडेड

ये क्या समझता है तो अगेन इसके अंदर कल्चर वाला मामला पूरी मार्केटिंग के अंदर फिर मुझे जाना पड़ेगा कि प्राइसिंग कैसे होती है तो पूरा प्राइसिंग का आपने मार्केटिंग में पड़ा होगा देन कम्स रेट ऑफ इनोवेशन इन दी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में जो डिजायर रेट ऑफ इनोवेशन है वो कस्टमर का क्या है कस्टमर क्या चाहता है कि ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता है जैसे कि अगर आपका मोबाइल फोन है तो कस्टमर हर साल एक्सपेक्ट करता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा हर साल कस्टमर कह रहे हैं नया मॉडल आएगा तो कस्टमर उसका वेट कर रहा होता है तो अगर आप ऐसा उसको नहीं वो रेट के इनोवेशन नहीं देंगे तो कस्टमर आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले लेगा अब ये जो दो अनसर्टनिटी एक कस्टमर डिमांड की अनसर्टेनिटी है एक इम्प्लाइड डिमांड की अनसर्टेनिटी है सो so, इन दोनों में फर्क है इसको ऐसा ना समझिएगा कि इसमें कोई फर्क नहीं है ये दोनों सेम चीजें हैं ये नहीं इनमें थोड़ा सा फर्क है

कि एक तो वो सप्लाई चेन को कितने उसको हैंडल करना है और दूसरा वो एट्रीब्यूट जो कस्टमर डिजायर कर रहा है कि आपने इंप्लाई किया उसको देखा डिमांड में ये अनसर्टेनिटी हो सकती है ये हो की। आप एक्सपेक्ट करें आप उसको इंप्लाई कर रही हैं अब कस्टमर नीड को जरा जो आप हम मैच करके देखते हैं कि वो कैसे इंप्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देती है सो कस्टमर नीड है कि रेंज ऑफ क्वालिटी सॉरी रेंज ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड इंक्रीजेस कि जो क्वांटिटी इंक्वायर्ड है उनकी उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है पहले कस्टमर सिर्फ 100 से 200 यूनिट मांगता था अब वो कहता नहीं जी 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 से हजार से, उसकी रेंज बढ़ गई है so demand, के के अच्छी वेरियंस होगी पहले वो सौ के यूनिट्स के अंदर रहता था सौ या दो अब वो पांच से हजार में रहता है तो कभी पांच मांगेगा कभी हजार मांगेगा तो हमें उसकी वेरियंस हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी इसी तरह से लीड टाइम डिक्रीज हो जाएगा अगर

कि अब नंबर ऑफ चैनल थ्रू प्रोडक्ट एक्वायर किया जाए वो इंक्रीज हो जाएंगे तो इससे आपकी इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी बिकॉज द टोटल कस्टमर डिमांड इज नाउ डिसएग्रीगेटेड ओवर मोर चैनल्स अब पहले तो आपको एक ही चैनल से पता चलता है यार इतने की डिमांड आ रही है हमारी अब कोई एक डिमांड वहां से एक वहां से एक वहां से अब सबको टोटल करके आपको देखना पड़ता है तो बड़ी डिसइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है फिर और ये आपकी जो अनसर्टेनिटी उसको इंक्रीज करेगा कि हो सकता है कोई एक ज्यादा डिमांड कर दे किसी का को कोई नेटवर्क डिफरेंट हो देन रेट ऑफ इनोवेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तो इससे भी आपकी इंप्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी बिकॉज न्यू प्रोडक्ट जो है वो यूजली अनसर्टेन डिमांड के साथ आते हैं वो आपको पता नहीं होता बिकेगा नहीं बिकेगा कितने का बिकेगा uh, ज्यादा डिमांड होगी थोड़ी डिमांड होगी और फिर अगर रिक्वायर्ड सर्विस लेवल इंक्रीज हो जाता है कि जो सर्विस कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है वो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इससे भी आपकी जो अनसर्टेनिटी है इंप्लाइड डिमांड के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज दी फर्म नाउ हैज टू हैंडल अन सर्ज इन डिमांड मूविंग फॉरवर्ड नाउ इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एंड अदर एट्रीब्यूट जो स्पेशली इसको इफेक्ट करते हैं तो uh, जब आपकी प्रोडक्ट का मार्जिन लो uh, जब आपकी इंप्लाइड अनसर्टेनिटी uh, आपका प्रोडक्ट मार्जिन लो होगा तो आपकी लो इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी होगी और अगर प्रोडक्ट का मार्जिन हाई होगा तो डेफिनेटली हाई एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी होगी

डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है ना वो उतना ज्यादा नहीं होता आपका ठीक है सो एज अ रिजल्ट मार्जिन इसी तरह से फोरकास्टिंग इज मोर एक्यूरेट व्हेन डिमांड हैज लेस लेस अनसर्टेनिटी आप डेफिनेटली आपकी फोरकास्टिंग अच्छी होगी अगर आपको डिमांड का पता है कि यार इतने से इतने के दरमियान हो तो फोरकास्ट आप अच्छे से कर सकते हैं अगर उसमें वेरियंस बहुत ज्यादा है कभी वो सौ यूनिट ऑर्डर कभी हजार करता है तो अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते अगली बार कितनी ऑर्डर करेगा कभी सौ करता है कभी डेढ़ सौ करता है कभी पचास कर लेता है अब आपको पता अंदाजा लगा यार सौ के करीब करीब करेगा कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं बेटर अनसर्टेनिटी uh, है तो आपको सप्लाई को मैच करना डिमांड के साथ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर डिमांड सडनली बहुत ज्यादा आ जाएगी तो भी आपके लिए मसला आप सप्लाई कैसे पूरी करेंगे डिमांड कम आएगी तो आपको एक्स्ट्रा माल पड़ा रह जाएगा जिसको आपको जल्दी जल्दी क्लियर करना पड़ेगा प्रमोशन देकर गिवन प्रोडक्ट दिस डायन लीड टू आइर स्टॉक और कुछ केसेस के अंदर अगर, अगर आप इसको साथ अपनी सप्लाई को मैच नहीं कर सकते डिमांड के साथ तो या कभी कभी स्टॉक आउट हो जाएगा करेगा आगे आपने सप्लाई पहुंचाई नहीं जितनी उसने मांगी है आपसे तो वहां पर स्टॉक आउट हो जाएगा वो भी आपसे कहेंगे जी कस्टमर की जी ये तो आपका माल ही नहीं अवेलेबल हो दूसरे कंपेटिटर का माल खरीद लेंगे जाकर अगर उनको अवेलेबल होगा तो जब वो कम्पेटिटर का माल खरीदेंगे तो फिर आपकी सेल कम हो सकती है फ्यूचर के अंदर भी और अगर ओवर सप्लाई हो जाएगी तो अब वो इतना माल पड़ा हुआ पड़ा खराब ना हो जाए कोई डैमेज ना हो जाए और फिर वो उसके अंदर स्टॉक के अंदर पैसे फंसे हुए तो अब उसको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा जबरदस्ती और डिस्काउंट पे जब आप बेचेंगे तो लोग फिर कहेंगे तो डिस्काउंट पे भी मिल सकता है तो हम डिस्काउंट का वेट कर लेते हैं तो आपके वो मसले भी शुरू हो जाएंगे देन मार्क आर हाई फॉर प्रोडक्ट्स विथ ग्रेटर इंप्लाइड डिमांड एंड सर्टेनिटी बिकॉज ओवर सप्लाई ऑफ एन क्योंकि उसकी ओवर सप्लाई हो जाती है इसीलिए उनको आपको सप्लाई की आपको होनी चाहिए जरा अब की कैपेबिलिटी जिसकी वजह से आपकी जो सप्लाई अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है वो फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है कि आपका ट्रक कभी टूट गया कभी आपका जी सिस्टम नहीं चल रहा कभी आपका जी कोई और मसला हो गया है को सो तो, कभी आपके पास आ, माल की इन्वेंटरी सही से नहीं पहुंच रही तो के अंदर, इस तरह से कर देगी तो आपको इसके अंदर भी मसला आ जाएगा फिर पुअर क्वालिटी है पुअर क्वालिटी होगी इससे भी सप्लाई चेन की अनसर्टेनिटी चेंज होती रहेगी क्वालिटी सही नहीं है तो कभी कभी आपके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट्स डैमेज डाल सकते हैं लिमिटेड सप्लाई कैपेसिटी है अगर आपकी आप सिर्फ एक सर्टन नंबर ऑफ यूनिट्स ही सप्लाई कर सकते हैं तो सप्लाई की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कब कितने सप्लाई करने तो सप्लाई कर सकते हैं इनफ्लेक्सिबल नहीं है ना आप बड़ा लिमिटेड को इवॉल्विंग प्रोडक्शन प्रोसेस है अगर आपकी तो भी आपकी सप्लाई एंड सर्टेनिटी चेंज हो क्योंकि आप प्रोडक्शन प्रोसेस इवॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि आप सप्लाई मीट ना कर सकें सो लेवल्स ऑफ इम्प्लाइड डिमांड एंड जो है दे आर ओवर यू कैन सी प्रिडिक्टेबल सप्लाई एंड डिमांड ये आपका बिल्कुल एक पॉइंट है और फिर दूसरा पॉइंट एंड डिमांड की जहां बहुत हाई अनसर्टेनिटी है सो प्रोडिक्टेबल सप्लाई और सर्टन डिमांड जो है आ, या अनसर्टन सप्लाई एंड प्रोडिक्टेबल डिमांड या फिर सम वट अनसर्टन सप्लाई एंड डिमांड तो ये एक मिक्स मिक्स एंड मैच बन जाता है इसका ठीक है सो प्रिडिक्टेबल आप क्या कर सकते हैं कि कोई सप्लाई और डिमांड क्या जैसे कि अगर आप सुपर मार्केट में जाए तो वहां नमक अवेलेबल होगा तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार नमक होगा दुकान पर जब भी जाएंगे आप ये कभी सोच ही खत्म हुआ होगा वहां पर ठीक है एक फिर कभी कोई चीज प्रेडिक्टेबल है कभी नहीं है जैसे कि अगर गाड़ियों के मॉडल आप देखने को मॉडल चेंज हो गया कोई नया मॉडल आ गया तो आपको पता नहीं होता कब कौन सा मॉडल अवेलेबल होगा इस वक्त शोरूम के ऊपर तो ये एक जरा मिक्स एंड मैच की एक सिचुएशन है या जहां पर हाई अनसर्टेनिटी होती है सो हाई अनसर्टेनिटी के अंदर के जी वो कोई स्पेशल नया कम्युनिकेशन डिवाइस आया है कोई नया फोन आया है क्या ये मिलेगा नहीं मिलेगा अभी तो ओवर बुकिंग हुई भी, भी होगी पता नहीं सप्लाई है कि नहीं है नाउ स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज के सप्लाई चेन की जो कैपेबिलिटीज है उनको जरा हम समझ लेते हैं कि सप्लाई चेन की कैपेबिलिटीज क्या है सो हाउ डज मीट इट्स डिमांड इसको हमने अब बेसिकली uh, अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरह से अपनी सप्लाई चेन के अंदर तमाम डिमांड्स को मीट करें जो कस्टमर हमसे कर रहा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इज इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वाइड रेंज ऑफ क्वान्टिटी डिमांड के जब वो रिस्पॉसिव सप्लाई चेन होगी तो अगर क्वान्टिटी की डिमांड कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए तो उसके हिसाब से वो पीछे सप्लाई चेन को भी मैनेज कर सकती है इसी तरह से मीट शॉर्ट लीड टाइम्स अगर आपकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है तो वो शॉर्ट लीड टाइम्स को भी मीट कर सकती है कि यार अभी जल्दी प्रोवाइड करना माल चलो इसके साथ भेज देते हैं जल्दी चला जाएगा तो आपको पता है कब जल्दी किस तरह भेजना है लेट किस तरह भेजना है सिमिलरली हैंडल अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तो अगर आपकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है तो वो जितनी मर्जी वैरायटी आ जाएगी दस प्रोडक्ट चाहे सप्लाई करना चाहे सौ करने वो सारों को कर सकती है अगर आपकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है तो वो फिर हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बना सकती है कि जी कोई नए नए प्रोडक्ट्स और उसके तरीके बनाए जाएंगे और स्पेशली अगर रिस्पॉन्सिव है तो बेसिकली uh, अगर आपको कोई हाई सर्विस लेवल है और ज्यादा सर्विसेज डिमांड की जा रही है तो आप उसको भी अचीव कर सकते हैं लेकिन ये बात याद रखिएगा रिस्पॉन्सिवनेस ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट ठीक है ना मैंने शुरू में भी ये बताया था कि जब आप रिस्पॉन्सिव आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि दो आप अप्लाई करें लेकिन दो ऐसी ना करें कि जो एक साथ काउंटिंग है मैं इसलिए जब कहा था कि कॉस्ट के साथ आप करेंगे तो आप वेरायटी कर सकते हैं लेकिन उससे भी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी ये याद रखिएगा लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस और कॉस्ट को कर लेंटिटी क्वालिटी क्वालिटी और कॉस्ट को कर लें ये दोनों आपस में मैच नहीं होते जितनी रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगी आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी जितनी क्वालिटी बेटर होगी उतनी आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी इसी तरह से अगर वैरायटी ज्यादा होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन इन दोनों को आप साथ चला सकते हैं कि जी वैरायटी भी अच्छी दे और कॉस्ट कम से कम कोशिश करें कि उसके साथ प्रोवाइड करें सो so, रिस्पॉन्सिवनेस जब आएगी तो आपकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी ठीक है सो सप्लाई चेन एफिशियंसी इज द इनवर्स टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर ठीक है सो so, ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस इफ एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व शोज द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये देखें ना कि गिवन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर अगर आप ये देखें रिस्पॉन्सिवनेस लो है तो आपकी कॉस्ट भी लो होगी

विद प्रोडक्शन लीड टाइम ऑफ सेवरल वीक्स ठीक है कि अगर वो मेक टू स्टॉक बना के रख लेते हैं माल और उसके बाद उसमें से सप्लाई करते रहते हैं फिर बाद में दोबारा जब प्रोडक्शन बैच की बारी आती है तो फिर वो बनाते हैं जैसे दवाइयां होती हैं कि पहले उसी मशीन के ऊपर एक दवाई बनती है फिर उसका बैच बन के पड़ा रहता है फिर दूसरी बनती है अब जब दोबारा उस दवाई की बारी आएगी तब वो उसको बना सकते हैं उससे पहले अगर उसकी ज्यादा डिमांड आ जाएगी वो उसको सप्लाई नहीं कर सकते देन सम वट रिस्पॉन्सिब समवर्ट रिस्पॉन्सिव के अंदर अगर आप लें तो मोस्ट ऑटोमेटिव जो प्रोडक्शन है ये सम्वट रिस्पॉसिव होती है ये डिलीवर करते हैं लार्ज वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ कपल ऑफ वीक्स जैसे कि गाड़ियां आप डिफरेंट कलर के ऑर्डर कर सकते हैं आप डिफरेंट उसके मॉडल्स ऑर्डर कर सकते हैं उसमें वराइटी की ऑप्शन बहुत ज्यादा होती है और जल्दी ये उसका रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं और हाईली रिस्पॉन्सिव जिसकी एग्जाम्पल है सेवन इलेवन जैपन के अंदर है तो चेंजिंग मर्चेंडाइज मिक्स बाई लोकेशन एंड टाइम ऑफ द डे किस जगह पर वो चीज सप्लाई की जा रही है और किस टाइम ऑफ द डे के ऊपर वो सप्लाई की जा रही है उसके हिसाब से वो चीज चेंज करते रहते हैं तो हम ये करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेसा हो अब हम कॉस्ट पे फोकस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सप्लाई चेन ज्यादा अनसर्टेन uncertain है अनसर्टेनिटी की वजह से अब हम एक रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन के ऊपर कर रहे होंगे

ये एक सप्लाई चेन की भी बात हो रही है ठीक है जो मैन्युफैक्चरर है वो एब्सॉर्व कर लेता है लेस एंड मस्ट बी एफिशिएंट एफिशिएंट ठीक है तो efficient, बहुत एफिशिएंट से कुछ कम एफिशिएंट और फिर अगर रिटेलर जो है वो वेरी रिस्पॉन्सिव है रिटेलर ने तो उसके रिस्पॉन्ड करना है रिटेलर तो यहां अनसर्टेनिटी किस लेवल पे एब्सॉर्ब की जा रही है रिटेलर के लेवल के ऊपर तो सारा अनसर्टेनिटी वाला मामला रिटेलर के लेवल के ऊपर हो रहा होता है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बस एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर और आम कर पर पाकिस्तान में का यही मॉडल है सप्लायर अपना माल बनाता रहता है मैन्युफैक्चरर अपना बनाता रहता है तो रिटेलर करता है uncertainty तो रिटेलर करता अनसर्टेनिटी को चें के अंदर चेंज होता है रिटेलर डिसाइड करता है ये माल ज्यादा रखना है ये कम रखना है ये आपके जनरल स्टोर इस तरह से बिहेव करते हैं ठीक है दूसरा सप्लाई चेन का मॉडल क्या है यहां पर जो सप्लायर है वो एब्सॉर्व कर लेता है यू कैन से एम्प्लाइड अनसर्टेनिटी एंड कुछ समवट एक्स ये ना कहते हैं कि वो एफिशिएंट होता है कि ये एफिशिएंसी पे उतना फोकस नहीं कर रहा होता कुछ अनसर्टेनिटी ये अब्सॉर्ब कर लेता है मैन्युफैक्चरर जो है वो ज्यादातर अनसर्टेनिटी को अब्सॉर्ब कर लेता है बिकॉज uh, यहाँ पर ये प्रोडक्शन uh, के अंदर चेंजेस करता रहता है जैसे कि रिटेलर उसको बताता है उसके मुताबिक और रिटेलर कोई भी

यार जो भी डिमांड आ रही है प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी के अंदर एफिशिएंट सप्लाई चेन जो होगी वो मैक्सिमाइज करेगी परफॉर्मेंस एट अ मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट जबकि करेगीफॉर्मेंसिव क्रिएट्स मौड, पो, प्रोडक्ट डिफरें तो ये अभी आपको साथ साथ करना पड़ेगा इस तरह से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लोअर मार्जिन बिकॉज प्राइस इज प्राइम कंज्यूमर ड्राइवर ये आपका अगर एफिशिएंट सप्लाई चेन है अगर रिस्पॉन्सिव है तो हायर मार्जिन बिकॉज प्राइस इज नॉट अ प्राइम कंज्यूमर ड्राइवर यहाँ की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी अगर एफिशिएंट है तो लो कॉस्ट ताकि हाई यूटिलाइजेशन हो जबकि अगर रिस्पॉन्सिव है तो अब आप लो कॉस्ट की तरफ हाई यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि तो आपके पास माल बना पड़ा रहेगा बिकेगा नहीं इसलिए आप मेंटेन करेंगे कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी के आपके पास बफर्स हो अगेंस्ट डिमांड सप्लाई अनसर्टेनिटी कि अगर सडनली किसी चीज की डिमांड है तो फॉरन उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सके और दूसरे की कम कर सके

अब सप्लाई चेन को टेलर किया कैसे जाता है टेलर टेलर मतलब बनाना जैसे कि आपका सूट बिल्कुल आपके नाप के ऊपर सी कर देता है अगर आप मार्केट से एक बना बनाया सूट लेकर पहन लेंगे तो उसकी फिट आपको सही नहीं आएगी अबर फिट होगी उसकी तो आपके ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा तो सेम सप्लाई चेन में भी होता है अगर सप्लाई चेन को अपने अच्छी तरह से सेट करना है प्रॉफिटेबल बनाना है उसके अंदर वैल्यू क्रिएशन करनी है तो उसको टेलर करना पड़ेगा अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमर की डिमांड के हिसाब से So, टू uh, अचीव स्ट्रटेजिक फिट वाइल सर्विंग मेनी कस्टमर से आप स्ट्रेटिकेयरिंग सम लिंक इन दप्लाई चेन विद है अगर कि कुछ किसी एक प्रोडक्ट की प्रोसेस से कर सकते हैं दूसरे के लिए और लिंक्स हो सकते हैं आपके चेंजेस ओवर दाइफ साइकिल

इसके वक्त आपके मार्जिन हाई होते हैं और आप इस टाइम पे सेल्स लेना चाहते हैं कि सेल्स हों ताकि प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इस टाइम पे बहुत क्रूशियल है टू कैप्चर मार्केट अगर अवेलेबल नहीं होगा आपकी मार्केट लूज हो जाएगी आपने एड देखी सारा कुछ सक्सेसफुल है आप मार्केट गए तो वो प्रोडक्ट ही ना मिला तो आपकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी अब मैंने कई बार ये देखा है कि एड देखी और मार्केट दे, सामने वो प्रोडक्ट अपनी एड के साथ पड़ा हुआ है ना तो फॉरन में खरीद लूंगा आमतौर पर कस्टमर भी यही करेगा कि ट्राई करते हैं सो so, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट इज ऑफन अंड्रीडरेशन एट दिस स्टेज बिकॉज अब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं इन कर रहे हैं कि बस बिकना शुरू हो इसकी सेल हो लेटर स्टेजेस के ऊपर डिमांड आपकी तकरीबन सर्टेन हो जाती है सप्लाई प्रोडिक्टेबल होती है कि इतना माल आ सकता है इतना नहीं आ सकता डिमांड इतनी होगी इतनी नहीं होगी इस तरह से मार्जिन आपका कम हो जाता है बिकॉज अब आपके कंपेटेटर भी उस तरह की चीजें ले आएंगे या कस्टमर जो है उसके अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकता है

ये आपका स्कोप है उसका जो आपकी फिट है उसका ठीक है इंट्रा ऑपरेशन स्कोप क्या हो सकता है कि यू वांट टू मिनिमाइज दी लोकल कॉस्ट व्यू क्या आप उसका जो व्यू उसको कम कर दें ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन डिवाइसेस स्ट्रेटजी इंडिपेंडेंटली आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करें वो

कि आप मैक्सिमाइज करते हैं अपनी के को, ठीक है? to कि जब की कम तो आपकी सप्लाई चेन का सरप्लस बढ़ जाएगा उससे तो आप इंफॉर्मेशन को बहुत रैपिडली शेयर करते हैं और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है एजाइल इंटर कंपनी को तो ये इसका भी एक एजाइल वर्जन है जिसके अंदरिटी टू अचीव स्ट्रैटी फिट व्हेन पार्टनरिंग सप्लाई चेन टाइम ठीक है तो आप एजाइल उसके साथ चेंजेस कर रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम नॉट डिफरेंट स्कोप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट अक्रॉस अ सप्लाई चेन क्या होते हैं अगर आप देखें तो ये आपके सप्लायर से लेकर मैन्युफैक्चरर फिर डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर और कंज्यूमर तक जाने का जो पूरा सफर है ये वो आ गया आपका और अगर आप आपकी कंपेटेटिव स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी है या मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है How are हाउ आर दे गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इन दीज सो ये जो बड़ा है जिसके अंदर यह तमाम चीजें छोटा ये, ये वाला रिंग है इसके अंदर आप उसका भी एक सर्टन पोर्शन ले लेते हैं ये आपका इंटरफंक्शनल डिस्ट्रीब्यूटर का एक रिंग है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इंटरफंक्शनल किस तरह से हो सकता है और सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी के अंदर आप ये देखेंगे इंटरफंक्शनल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल आपकी अपनी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए अगर आप ये वाला रिंग देखें इसके अंदर और फिर उसके अंदर भी इंट्रा ऑपरेशन एट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल केवल पर चले जाएंगे उसके अंदर जाकर सप्लाई चेन अपनी को देखेंगे तो ये आपका वो जो एक एरिया आ जाता है उसके अंदर नाउ द चैलेंजेस दैट वी फेस इन डूइंग ऑल दिस इंक्रीजिंग प्रोडक्ट वैरायटी एंड श्रिंकिंग लाइफ साइकिल्स जब आप प्रोडक्ट लाइफ वैरायटी बढ़ाएंगे और श्रिंक होगा आपका लाइफ साइकिल तो ग्रेटर प्रोडक्ट वैरायटी एंड शॉर्टर लाइफ साइकिल्स अनसर्टेनिटी साइकिलिटी रिड्यूसिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन विच दी सप्लाई चेन कैन अचीव फिट बिकॉज आपके प्रोडक्ट की वैरायटी वरायटी बढ़ती जा रही है आप नए से नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे जा रहे हैं आपके जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का वो छोटा हो जाता है जब आप एक पुराने प्रोडक्ट अभी अभी एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया उसके कुछ अरसे बाद ही आपने नया लॉन्च कर दिया है तो अब लोग नए की तरफ जाएंगे पुराने वाले के साथ एफिलियेट नहीं होंगे उसको नहीं ज्यादा खरीदेंगे तो आपका पुराने वाला उसकी वजह से मारा जाएगा और उसके अंदर होगा क्या आपकी सप्लाई चेन जैसे ही आप एक फिट अचीव करने वाली होगी कि यार बहुत अच्छी सप्लाई चेन आपने अचीव कर लिए लिए बना लिये, साल दो के तो उतने में नया प्रोडक्ट आ गया अब आपकी उसकी सारी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ गई इसकी सर्टेनिटी सारी खत्म हो गई सिमिलरली ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी जिस तरह ग्लोबलाइजेशन होगी उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स ग्लोबल डिमांड एंड प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल

अचीव सप्लाई चेन फिट और इसके तो मैंने बताया था कि तमाम को अलाइन होना पड़ेगा तो ही फिट अचीव होगा आपका तो ही आप सक्सेसफुल होंगे एक और चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है आज सप्लाई चेंस के अंदर वो है चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपकी टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत रैपिडली चेंज हो रही है कस्टमर के नीड्स बहुत रैपिडली चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है सडनली एंड दिस में फोर्स अफॉर्म टू री थिंक सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी बिकॉज मैं अगर आपको इसकी एग्जाम्पल दू तो जैसे कि ये जो आपके मोबाइल फोन नेटवर्क है आज से कुछ साल पहले तक इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो आपको इनको पैकेजेस देने होते थे या इनकी जो स्ट्रेटी होती थी वो होती थी कॉल और एसएमएस वगैरह के पैकेज देने की फिर सडनली इंटरनेट के ऊपर जब से कॉल होनी शुरू हुई व्हाट्सएप वगैरह यूज होना शुरू हुआ सडनली ये सारा ट्रेंड चेंज हो गया और अब मोबाइल्स के ऊपर ज्यादातर लोग डेटा का पैकेज ज्यादा मांगते हैं एज कंपेयर टू सेल्यूलर और मैसेजेस पैकेजेस देन मैसेजेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस ग्रोइंग इन रेलिवेंस एंड मस्ट बी अकाउंटेड फॉर वन डिजाइनिंग का रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट में सप्लाई चेन के अगर आप उसके अंदर एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल uh, उसको रख बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके टारगेट करके उनको अचीव करना होगा सो दैट इज इट डे